एक बार फिर तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले दे विच मुलजम आशीष मिश्र तो पुछगिछ जिहड़ी अज होवेगी। अज मुड़ पुलिस ने 11 बजे दे लई पुछगिछ दे लई उन्हां नूं तलब कीता है। बीते दिन नोटिस के बावजूद भी मुलजम जिहड़ा सी उह पेश नहीं होया सी। ते उस तों बाद नेपाल भजन दे जिहड़े इल्जाम सी उन्हां ते लगे सन ते नेपाल भजन दे सवाल ते केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्र ने अपना बयान दिता सी। उन्होंने कहा सी आशीष किते भी नहीं भजया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से, शुभम पांडे जी। शुभम, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज मुलजम आशीष जो आरोपी है आशीष मिश्र उनसे पूछताछ होगी। कितने बजे पुलिस ने उनको बुलाया है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल 10 बजे का समय आशीष मिश्रा को दिया गया था और दिन भर डीआईजी के साथ डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और पूरे एसआईटी की टीम उनका वेट करती रही, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं आए। इसके बाद कल ही एक नई दूसरी प्रक्रिया के तहत उनके घर पर दूसरी नोटिस चस्पा की गई और उसमें 11 बजे का समय आज फिर दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद सख्ती थोड़ा सा तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है और 11 बजे का समय दिया गया है। अब देखना यही होगा कि आखिर आज 11 बजे आशीष मिश्रा पहुँचेंगे, साक्ष्यों को सामने रखेंगे, एविडेंस रखेंगे कि नहीं, जिससे कि इन साक्ष्यों के माध्यम से ही एसआईटी आने वाले दिनों में अपनी जांच को आगे बढ़ा पाएगी, जिससे कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है किसान के इस पूरी घटनाक्रम के बाद, लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद, कि आखिर क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर आशीष अभी तक सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका इस तरह से क्राइम ब्रांच पुलिस से बचना तमाम सवाल खड़े करता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से पूरी तरह से दबाव बनाया गया है और आज 11 बजे तक उनकी उम्मीद है कि वो क्राइम ब्रांच के सामने होंगे। जी शुभम, ये तो हम देखना होगा कि अज पुछगिछ दे लई आशीष मिश्र पुलिस के सामने पेश होंगे ने कि नहीं।